मुझे गणपति दिवाली से भी ज्यादा पसंद है और ज्यादा मजा आता है। फैशन करो और करने दो, जियो और जीने दो, वो कॉमन थीम आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। एकदम स्प्रिंग वाइब्स है इसकी। इट लुक्स लाइक अ सोबो साउथ दिल्ली सोफिस्टिकेटेड वाइब है इसकी। तो मैंने दोनों ऑर्डर तो कर लिए, बट नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच वन शुड आई कीप एंड व्हिच वन शुड आई रिटर्न। बहुत लोगों की आंखें बड़ी होने वाली है कि ये कुर्ता नहीं है। ऑन शूट डेज इतनी ज्यादा भूख लगती है, बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग ऐसा टॉकिंग एंड आफ्टर You will always find me eating. आज हम खा रहे हैं अचारी पनीर शब। पनीर से ज्यादा मेयोनीज़ में खा के आती हूँ वापस। लिपस्टिक लगानी पड़ेगी ये आपको। ये मम्मा और दिशना। ये always after my lipstick. क्या तो न्यूड दो, न्यूड आपकी फेवरेट। ये न्यूड है। अरे ये देखो। वो this is nude. कैमरा में भी न्यूड ही लग रहा है। No. ये देखो आपने क्या रखा है। The MAC one. हमारे कर्ल्स निकल जाएंगे जो ऑलरेडी निकल चुके हैं। गेट रेडी विद मी। ओके फाइनली शुरू करें। किसका गणपति फेवरेट फेस्टिवल है? कॉमेंट लॉट्स ऑफ रेड हार्ट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। हाई वेलकम टू अ ह्यूज फेस्टिव हॉल specifically for गणपति, because I love this festival बचपन से, क्योंकि हमारे घर पे गणपति आते हैं तो इतनी रौनक आ जाती है, because इतने सारे guests आते हैं, पापा को जब लेके आते हैं, the ढोल, the whole preparation, फिर सबको मोदक देना, प्रसाद देना, बैठ के सबसे बातें करना, that vibe। मुझे गणपति दिवाली से भी ज्यादा पसंद है और ज्यादा मजा आता है, बट तो इसलिए मुझे तैयार होना भी बहुत पसंद है during गणपति। सो बिकॉज यू लव राखी आउटफिट सो मच, वी गॉन ऑल आउट फॉर दिस वन। अच्छा और वेट नहीं करवाती, लेट्स इस बार ना ब्लू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एंड द फर्स्ट आउटफिट इज दिस हॉल्टर नेक कुर्ता सेट। नॉट डिस्क्लेमर, नो वन इज फोर्सिंग यू, नो वन इज सेइंग कि आपको ये पहनना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुडंट शेम पीपल हु वेयर फुल स्लीव्स कि ये तो बहन जी आउटफिट, एंड वी शुडंट शेम पीपल हु वेयर बैकलेस एंड ऑल कि ये तो संस्कारी नहीं है। नहीं, जस्ट फैशन करो और करने दो, जियो और जीने दो। सो आई थॉट दिस वॉज वेरी वेरी डिफरेंट एंड अंडर 999, सच अ यूनिक कलर। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इन वीव। दिस इज अ रॉयल ब्लू कलर, सेरुलिन ब्लू कलर, जिसके ऊपर गोल्डन पूरा फॉइल प्रिंट है। इसका मटेरियल पूरा विस्कोस नहीं है, इट्स एक्चुअली वेल लाइन्ड एंड बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं था। बस मैंने लार्ज ऑर्डर किया, लार्ज इज माई साइज इन इंडियन वेयर, लेकिन इसकी इलास्टिक ना लूज थी फ्रॉम द बैक, तो वो गिरे जा रहा था। सो एक साइज छोटी मंगवाना था रेगुलर साइज एंड You will be fine. इसका शरारा का घेरा भी अच्छा था, and for 799 rupees मुझे ये outfit से प्यार हो गया। We can spend all day in. आई लव शरारा, सो आई थिंक वो कॉमन थीम आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी, एंड आई लव पेस्टल कलर्स। सो वी हैव दिस मिंट ग्रीन शरारा सेट, ये पूरा ही मॉडर्न है। इसकी स्लीव्स भी बहुत सुंदर है, हल्की सी बेल है, देयर्स लाइक सिल्वर लाइनिंग थ्रू आउट, एंड एल्बो पे भी बॉर्डर है जो एक्चुअली थोड़ी सी चुभ रही थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस आउटफिट इज टू वेल मेड। 999 में इतना घेरा वाला शरारा, वो भी अस्तर के साथ, आई वॉज शुक। इसका दुपट्टा छोटा है, इट्स मोर लाइक अ फैशन दुपट्टा, नॉट अ फुल दुपट्टा, लेकिन वो अच्छा ही लग रहा था, बिकॉज यू कैन वेयर इट एज अ चोकर ऑन द नेक, आप उसको हाथ में भी कैरी कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी लाइक फ्रेश आउटफिट, एकदम स्प्रिंग वाइब्स है इसकी। प्लस इस पे जो छोटे छोटे ब्लू एंड व्हाइट फ्लावर्स है, दिस मेक्स इट वेरी परफेक्ट टू स्टाइल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ऑल्सो, लेकिन आप इस पे थोड़े हेवी झुमके भी पहन सकते हो, लाइक इट कैन बी स्टाइल्ड अप और डाउन जैसे आपको पहनना हो। Shut the lights, go infrared. So far, जो दो आउटफिट्स हमने देखे ना, दे वर अ लिटिल पॉली मिक्स वाला मटेरियल, बट अब ये जो थर्ड आउटफिट है वो पूरा ही कॉटन और बहुत ही सॉफ्ट कंफर्टेबल वाला है। दिस इज फ्रॉम इन वीव, ये वन शोल्डर वाला कुर्ता सेट है इनका, एंड इस पे इतना सुंदर बारीक मिरर वर्क है लाइक थ्रू आउट इस कास्ट कि इट लुक्स वेरी एलिगेंट, इट लुक्स लाइक अ सोबो साउथ दिल्ली सोफिस्टिकेटेड वाइब है इसकी। एक्चुअली वो वन शोल्डर देखते से ना मुझे ऐसा ही लगता है, मेन चीज यही थी कि उसका कपड़ा बहुत ही ठंडा था, ये लास्ट पीस बचा था एक्सेल में, तो मैंने एक्सेल ले ली
लिया, बट अगर इतनी बड़ी साइज है ना तो बेल्ट पहनना पड़ेगा, वरना इट वॉज लुकिंग अ बिट काफ्तानी एंड नॉट वेल फिटेड. मीडियम वुड हैव बीन परफेक्ट इन दिस. आई होप ये वापस स्टॉक में आ जाए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड काफी हटके पीस लगा ये वाला मुझे. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट की पैंट में भी मिरर वर्क था. इट्स नॉट लाइक जस्ट कुर्ता, बिकॉज यूजुअली द पैटर्न इसके कुर्ते पे प्रिंट या तो वर्क होता है एंड पैंट सिंपल होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं था. ये था ₹979, ओरिजिनली ₹3,499, बट सेल में ₹979 का मिल गया. अच्छा, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आई एम वेयरिंग. ये बहुत ही सुंदर स्ट्रैपी नूडल स्ट्रैप कुर्ता सेट है फ्रॉम लिबास. प्राइस है 5,000, बट योर गर्ल फाउंड इट अंडर ₹1,000. नाउ व्हाट आई लव अबाउट दिस इज द दुपट्टा. फुल दुपट्टा है और बारीक, एकदम ही सुंदर होलोग्राफिक सीक्वेंस भी है इसमें. लाइक इट इज सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा की आई वुड लाइक टू वेयर दिस विद एवरी सिंगल सेट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. देयर वर टू कलर्स, दोनों इतने प्यारे थे दैट आई कुडंट डिसाइड. तो मैंने दोनों ऑर्डर तो कर लिए, बट नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच वन शुड आई कीप एंड व्हिच वन शुड आई रिटर्न. सो आई एम वेयरिंग द पिंक वन राइट नाउ. बहुत ही सुंदर है, विद लाइक ब्यूटीफुल मोती इयररिंग्स एंड पर्ल ड्रॉप्स ऑन इट. एंड द कुर्ता इज शॉर्ट, द स्ट्रैप्स आर एडजस्टेबल, हुक आया है उसमें उसके लिए. द शरारा वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि इसमें से मेरे पैर दिख रहे, लाइक इट इज सी थ्रू, सो लाइनिंग वुड बी नाइस. लाइक दैट्स वन थिंग दैट आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इन H&K, कि यू नो पैर ऐसा दिखने नहीं है, लाइनिंग हमें हर चीज में डालनी है. सो आई थिंक दैट शुड हैव बीन रेप्लिकेटेड इन दिस फॉर अ प्राइस ऑफ 5,000 विदाउट सेल. बट इसका ग्रीन वाला कलर भी इतना सुंदर है, स्टाइल्ड विद दिस सैटिन bag and transparent heels, and oh my god, I love that look too. So it's a war, it's a battle between these two outfits, and yeah, the colors are so soothing, so calming to the eyes. Tabhi bole na is color scheme pastels ke liye kam hai, because I am in love with pastels. Dono hi ₹949 each the, so well under ₹999, and I think they're very trendy and very just like floral freshness vibe hai inki. If you love plain kurtas, because they are the best to style, उस पे इतनी ज्वेलरी पहन के you can make it proper boho, or you can just wear simple choto jhumkas and it still is so elegant, then you will love this outfit from Rudra Bazaar. इसका जो color था blue, ocean की याद दिला रहा था, इतना प्यारा, इतना serene, and जो उसकी लटकन है ड्रामेटिक है कि इट वॉज जस्ट कि हाँ ये तो ट्राई करना ही पड़ेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज, अब इसमें कैसा हो गया ना कि बॉटम्स का कलर काफी लाइट है कम्पेयर टू द कुर्ता, तो थोड़े ग्लांस में लगता है कि मिसमैच है. प्लस वो लाइट ब्लू कलर का दुपट्टा होता है ना तो चल भी जाता, बट दिस डज नॉट कम विद अ दुपट्टा. इसकी भी MRP थी ₹4,999. आई थिंक ये इन्फ्लेटी किया है, बिकॉज ये 5,000 का तो कहीं भी नहीं मिलता. यू गेट सिमिलर थिंग्स ऑन मीशो ऑल्सो फॉर 1,000, एंड फॉर लोकल मार्केट्स ऑल्सो इट्स 2,000, नॉट मोर देन दैट. बट की Keeping that aside, the fabric of this very soft, बहुत ही ज्यादा comfortable, और गोटा वर्क भी इस पे काफी अच्छे से किया गया है. सो दिस इज अ ग्रेट आउटफिट स्पेशली पोहो आउटफिट्स के लिए. ये हमें सही में पड़ा ₹999 का. You don't have to wake up yet. We can spend all day. And as usual, I saved the best for the last. ये red outfit. And hold your horses, because ये picture से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था in person. So ये है एक strapless कुर्ता, which I know बहुत लोगों की आंखें बड़ी होने वाली है कि ये कुर्ता नहीं है, कुर्ते के नाम पे ये गलत ही चीज है. But no, as we established की किसी को भी हमें रोक टोक नहीं लगानी है, जिसको जो पहनना है पहने देना. So when I saw कि इसको jacket style में बांधनी, दुपट्टा वैसे style किया है Myntra पे, I was like yes. This is a fun way. So even if you have a noodle strap ka koi suit, you can do the same thing. You can just wear it as a jacket if you want to make it modest for one function. Aur bas jab bhi elderly relatives nikal gaye, pehen lo dupatta aise how you want it. Baat to sahi hai.
कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर सेट, तो ये पूरा स्मोकिंग है इसकी, इलास्टिक है ऑन द एंटायर चेस्ट एरिया, इट कम्स वेस्ट तक जो इसका इलास्टिक, एंड इट्स क्वाइट स्ट्रेची, सो इवन फॉर हेवियर पर्स अच्छे से फिट आ जाएगा। इसका फैब्रिक इज नॉट द सॉफ्टेस्ट, इसमें काफी ज्यादा स्टिफनेस है विच आई होप धोने के बाद चली जाएगी, बट अभी भी थोड़ा इसमें फ्लो नहीं है आउटफिट में, इट्स क्वाइट स्टिफ। दुपट्टा एड करने के बाद ही ये कम्प्लीट लगता है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। नॉट नेसेसरी कि ये दुपट्टा पहनना, यू कैन एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट मे बी स्टाइल इट, बिकॉज दे देमसेल्व्स वर सेलिंग अ ब्लैक सेट विद पिंक बांधनी दुपट्टा, दिस वी गॉट फॉर एक्जैक्टली 999, एंड द सेम कलर माइट बी आउट ऑफ स्टॉक, बट आई ट्राई टू लुक फॉर मोर कलर्स इन द सेम पैटर्न, बिकॉज बहुत ज्यादा रिच लग रहा था। एंड द नेकलेस, दिस नेकलेस फ्रॉम ओशरी एक्सेसरीज, एंड इट इज सो वर्सेटाइल, कोई भी टाइप के आउटफिट पे जाएगा, एंड द बारीक लिटिल मोतीज एंड जेम्स, दिस आउटफिट हैंड्स डाउन इज माई फेवरेट, एंड आई एम थिंकिंग आई शुड वेयर दिस, लेट्स सी। वो भी आपको डिसाइड करना है, एज यूजुअल एज एवरी फेस्टिवल यू डिसाइड माई आउटफिट, वो ट्रेडिशन अपना चेंज नहीं होगा। But I hope you enjoyed watching this video, and if you did, then do give it a thumbs up and subscribe to our channel for all the links, hauls, and so many fun vlogs are coming, trust me, because I've been keeping my camera on a lot. And if you did not enjoy watching this video, bindaas bola thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye. Video done, but thumbnail, never forget the thumbnail. क्योंकि फिर जब स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है ना, नहीं मजा आता। वो है शॉप फ्रॉम मिंत्रा, जब उनकी थैली वो व्हाइट एंड पिंक हुआ करती थी। नाउ दिस इज अ डिफरेंट जनरेशन। ये आपको ऐसा पकड़ना पड़ेगा। अरे ओप्सी। कूल, रेडी? यस।